लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को शहर की पहली कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट एक दिन में 6000 लीटर कैल्शियम क्लोराइड बना सकता है। इसके अलावा विभाग ने मंत्री को कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन की स्प्रे करके पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बताया। प्लांट से 500 रुपए लागत में 1 किलोमीटर सड़क पर कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन छिड़क कर सड़क पर बर्फ जमने से रोकी जा सकती है। हमारा विभाग पूरी मजबूती से जो आगामी हमारा स्नोफॉल सीज़न है उसके इंतज़ार में है और पूरे तरीके से तैयारियां पूरी है। बस ये है कि बर्फ़ नहीं पड़ रही है, तो अब तो सिर्फ इंतज़ार है कि बर्फ़ पड़े, क्योंकि पिछले कल भी हम रोहू के इलाके में थे और बहुत सूखा पड़ गया है और आगे बागवानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब बर्फ़ इस समय पड़नी बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं एक लेटर भी इनमें कह रहा हूँ, मगर वैसे हमारे डिपार्टमेंट ने हर तरीके से तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और ख़ास करके जो हमारे 12 ऐसे डिविजन्स हैं प्रदेश के अंदर जो हैवी स्नोफॉल प्रोन है, तो वहाँ पर मशीनरी के डिप्लॉयमेंट्स के बारे में मैंने आपको पीछे ही जानकारी दी थी, चाहे वो JCBs है, आपकी बड़ी पोकलेंस है वो भी लगाई जा रही है, और भी मशीनें हमने कुछ डिपार्टमेंट से प्रोक्योर करी है, कुछ और डिविजन से लोअर हिमाचल से टेम्परेरीली उनको उस एरिया में शिफ्ट किया है ताकि यातायात में कोई भी असुविधा उस क्षेत्र के लोगों को ना मिले। उसी कड़ी में एक और मजबूत कदम हमने लिया है, मैंने आपको उस दिन भी जब जाहिर किया था कि जब हम विपक्ष में थे उस समय भी हमने ये चिंता व्यक्त करी थी कि जब बर्फ़ सफाई होती है तो उसमें काफ़ी हमको उसमें धांधली देखने को मिलती थी, और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने कई बार इस विषय को विधानसभा के अंदर रखा, क्योंकि आप देखते हैं कि कितनी क्लियरेंस हो रही है, कितने टेंडर्स जो है वो स्नो क्लियरेंस के लग रहे हैं, कितनी बर्फ़ साफ़ हो रही है उसकी एक स्पष्ट स्थिति नहीं आ पाती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ये कहीं ना कहीं इसमें स्कोप जो है वो करप्शन का रह जाता है। इसलिए उसको हमने कम करने के लिए, उसको ज़ीरो करने के लिए एक नया इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ने आज लिया है। ये एक पहला प्लांट हमारे BNR ने कैल्शियम क्लोराइड का और ब्राइन का जो है यहाँ पर शिमला के अंदर लगाया है, और इससे जो इसका मिक्सचर तैयार किया जाएगा उसको हमारी गाड़ियों के माध्यम से जितनी भी सड़कें शिमला शहर के अंदर है और आने वाले समय में और भी डिविजन्स में भी इसको हम शुरू करेंगे, वहाँ पे इसको स्प्रे किया जाएगा ताकि इसकी जो हीट बनती है उससे जो बर्फ़ की फॉर्मेशन रोड पे है वो एकदम पिघल जाएगी। तो जिस दिन एंटिसिपेटेड है कि स्नोफॉल होने वाला है उसके पहले हम इसको जो है वो सड़क के ऊपर इसको स्प्रे किया जाएगा और इससे जो है बर्फ़ सड़कों पे जमेगी नहीं, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत इकोनॉमिकल है, 500 रुपये प्रति किलोमीटर सिंगल लेन के रूप से इसका खर्चा आता है। इतना खर्चा तो हम जब हमारी बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो उस समय जो मिट्टी डालने का लेबर का खर्चा है इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाता है शहर के अंदर ही। तो मैं समझता हूँ कि ये सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, इकोनॉमिकली फ्रेंडली भी है और कम खर्चे का भी है, तो इसका फ़ायदा मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों को होगा, और आने वाले समय में जैसा हमने कहा कि 12 डिविजन्स प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे इनको और हम आने वाले समय में लगाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को भी इस बर्फ़ के मौसम में पूरी सहयोग जो है वो मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।